हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, आज है संडे मॉर्निंग, थोड़ा सा रिलैक्स तो होता ही है ना। उतनी जल्दी नहीं होती है कामों की भागा दौड़ी करके, जिस फुल स्पीड से करने फटाफट फटाफट फटाफट। और आज ना मैंने भी देखो इस तरीके से बाल बना लिए, पता नहीं क्यों मेरा आज इच्छा कर रही थी इस तरीके से साइड में करके ना बना लिए। तो कभी कभी जब अपनी इच्छा करे ना तो कर लेने चाहिए वो काम, क्योंकि अपने आप को भी तो खुश रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं, और आज मॉर्निंग में जो है मैं थोड़ा सा छत में भी चली गई थी। मैंने कहा चलो धूप अच्छी थी तो मैंने कहा, और हवा भी चली थी ठंडी ठंडी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा देर जो है धूप में बैठ दिया जाए, क्योंकि हम लेडीज़ क्या होते हैं अपने ऊपर ध्यान तो देते हैं नहीं। और हमारे को जो होता है विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी होता है हमारी बोन्स के लिए, हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा मेन जो होता है लेडीज़ में, वो विटामिन डी की कमी ही पाई जाती है, और उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी बॉडी में क्रिएट होती हैं, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं और ऐसा होता है। तो बेस्ट यही है, मैंने कहा चलो थोड़ी देर जो है आज विटामिन डी ले लिया जाए, तो फ्री में मिल रहा है धूप से, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है विटामिन डी का। सूरज की जो किरणें होती है ना, उन सूरज सनरेज जो होती हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है विटामिन डी के लिए। मॉर्निंग की धूप कहते हैं, तो मॉर्निंग की 10 मिनट की धूप भी अगर ले लो ना, तो और दिन तो पॉसिबल नहीं होता, सही बात है, घर के इतने काम होते हैं। तो बट आज तो था, मैंने कहा संडे है तो अब वही खाली तो बैठा जाता है नहीं मुझसे, तो मैंने कहा चलो 10 मिनट करना क्या। तो मैंने छत में जो है अपने दोबारा से अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा दी, तो छत तो वैसे भी मेरी पूरी क्लीन रहती, पूरा घर ही क्लीन रहता है। तो 10 मिनट मैंने छत में टाइम भी स्पेंड कर लिया, विटामिन डी भी ले लिया, छत की सफाई भी हो गई। तो देखो एक पंथ दो काज, कितने सारे काम कर दिए मैंने। आज बच्चे कह रहे हैं कि आज ना हमारे लिए पकौड़े बना देना, तो उन्होंने कल ही बोल दिया था रात को। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के पापा जी की भी फरमाइश थी कि संडे को मैं घर पर रहूँगा तो प्लीज़ मेरे पकौड़े बनाना, तो मैंने कहा चलो बना दिए जाएँ। तो क्योंकि ऐसी चीज़ें तभी अच्छा लगता है ना कि जब सारे लोग मिलके बैठ के खाएं, तो मैंने कहा चलो आज पकोड़े बना दिए जाएं। पकोड़े तो ऐसा है कि बैठ के घर में इत्मीनान से चाय की चुस्की के साथ गर्मा गर्म, और अगर बारिश आ जाए ना उसमें तो और भी अच्छा हो जाए, लेकिन बारिश नहीं है, धूप ही है। बट कोई नहीं, हम इमेजिन माइंड में ऐसा इमेजिनेशन कर लेंगे कि भाई बारिश हो रही है और हम पकौड़े खा रहे हैं। सब घर पर ही होते हैं तो इसलिए इतनी जल्दी नहीं होती कामों की। क्यों आज जरा अपने इस प्लांट पर भी ध्यान दूँ, इसकी इस तरीके से मैंने कहा गुडाई कर दूँ, क्योंकि आजकल बरसात का जो मौसम है ना, बहुत अच्छे खिल जाते हैं पेड़ पौधे। तो ये भी हमारे बच्चों की तरह होते हैं, इनको भी जरा देखभाल केयर की जाए, तो ये बहुत अच्छे खिलते हैं। और ये जो फूल है ना, ये पूजा के फूल थे, तो जो बासी फूल उठा देती हूँ भगवान जी के आगे से, वो मैं इसमें डाल देती हूँ, तो ये बाद में इसी में मिक्स होके एक मैन्यूर का काम करेंगे। तो देखो कर दी मैंने इसकी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई। ये बेल ना थोड़ी बड़ी हो रही थी, तो मैंने इसको सपोर्ट के लिए यहाँ अभी फिलहाल तार से सपोर्ट दे दिया इसको, अभी धागा था नहीं। कहते हैं जो मनी प्लांट होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होना चाहिए, और ऊपर की तरफ बढ़ने का मतलब होता है सक्सेस, कामयाबी। तो हर किसी को लाइफ में कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो बस उसी तरह इस प्लांट को भी मैंने ऊपर की तरफ मूव कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अब घर के काम, और सबसे पहले जाती हूँ अपनी प्रयोगशाला में। आ गई अब किचन में, अब बनाऊंगी पकौड़े। और देखो ये है कड़ी पत्ता, तो पकोड़ों में तो कड़ी पत्ता डाल दो तो बहुत स्वाद आता है। और आजकल तो हमारी छत पे जो है कड़ी पत्ता, क्या बोलते हैं, पुदीना अच्छा हो रखा है, तो अच्छा भी लगता है। बार बार जैसे छत में तोड़ के लाते हैं ना, अच्छी सी फीलिंग आती है कि मतलब होता है ना अपनी चीजें, अपनी छत मतलब अपने गमले में उगाई चीजों को जो हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी। क्या बना रहे हो? पकौड़े। इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया, बेसन घोल के रख दिया, नमक, हल्की मिर्च डाल दी, क्योंकि बच्चे जो है हरी मिर्च नहीं खाते। खाएगा हरी मिर्च? खाता हूँ। कहीं नहीं खाता, झूठ बोलता। अरे बड़ी नहीं खाता। और ये आलू के पीसे इस तरीके से काट के रख दिया, आलू काला ना पड़ जाए ना, इसलिए पानी में भिगो के रखा है। प्याज के बनाऊंगी, और इधर ये बड़ी वाली हरी मिर्च है, हरी मिर्च, और ये तो अपना कड़ी पत्ता है। तो अब हम बनाते हैं हमने टिंगा के लिए, पतला टिम्मा है, पतला पता नहीं कब मोटा होगा यार। एक तो बारिश आई, 2 मिनट के लिए बारिश आई थी, पता थोड़ी सी से लगता है बारिश को बोलना था कि पकोड़े बनने चाहिए। सही होगा, और मौसम बन रहा है। मौसम तो बन रहा है, तो चलो हम बनाते हैं, मौसम जैसा भी हो जो चीज बनानी है तो बनानी है ना। तो यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन हो गई है, आलू के बना रही हूँ। पहले टिम्मी को पसंद है आलू के, शांत को पसंद है प्याज के। थैंक यू मम्मा, मोस्ट वेलकम टिम्मा। थैंक यू नहीं, थैंक यू मैं बोलूंगी टिम्मी को जब ये अच्छे से खा लेगा। एक साइड से पक गए हैं, तो मैं दूसरी तरफ पलट देती हूँ। तो फ्लेम है ना वो मीडियम रखनी होती, क्योंकि ज्यादा तेज भी रखेंगे तो क्या होता है पकौड़े कच्चे रह जाते हैं अंदर से। मस्त पकौड़े बन रहे हैं भाई, ब्राउन हो गए हैं पकौड़े,
अब इन्हें मैं इसमें निकाल दूंगी। करारे बने, मस्त आवाज आ रही है। निकालूंगी और अब बनाऊंगी मैं प्याज के। अब बनाएंगे हम प्याज के। तो आलू के बना दिए थे, वो दे दिए हैं बच्चों को। ऐसी बात नहीं है कि आलू के टिम्बी को पसंद है तो ईशान नहीं खाता, खाते हैं। बट कहते हैं ना कि कुछ चीजों की चॉइस होती है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाती है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर उसे पकौड़ों में पूछी जाए तो ईशान कहता है कि उसे प्याज के पकौड़े पसंद है। और उसी तरीके से अगर टिम्बी को पूछूं तो वो भी फर्स्ट जो प्रेफरेंस देता है वो कहता है आलू के। और अब ये प्याज के भी बना दिए मैंने, तो आज ना मैंने मिर्ची के भी बनाए हैं। इस तरीके से पकौड़े हों और साथ में चाय ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मस्त चाय उबल रही है, लगी हुई है मस्त धूप। बच्चों के पापा जी के लिए लो भाई। ओ वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और तारीफ कर देना। वाओ मस्त है भाई, चूल्हे में चाय और ये चटनी भी है। और ये पकोड़े, ये मिर्ची के पकोड़े, ये आलू की और ये प्याज की और ये मिक्स और सारी चटनी भी। और बाहर बारिश हो रही है, वाह मजा आ रहा है। बारिश नहीं, धूप लग गई है। धूप लग गई, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर दिन में तो बारिश आई नहीं जब हमने पकोड़े खाए थे। पापा जी और मैं तो मस्त नहा के आए हैं, मस्त आराम से। मैंने चेंज कर लिया भाई, आप भी चेंज कर लो। और टिम्मी नहीं नहाया पता है, टिम्मी को मैंने बोला था इसको आ ले, शाम के टाइम फिर इच्छा भी तो नहीं करती है। तो आप कर रही थी बच्चों के कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो स्कूल है। तो रात को ही ना, संडे रात को ही सारी तैयारी करके रख देती हूँ, प्रेस वगैरह। बच्चे तो बैग अपना खुद ही संभालते हैं, बट प्रेस वगैरह इस तरीके से करके रख देती हूँ ताकि मॉर्निंग में कोई भी दिक्कत ना है। क्योंकि मॉर्निंग में ना कितना भी तुम कर लो, मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना वो जल्दी जल्दी करने का होता है, तो देर ना हो जाए। तो इसलिए आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन रात को ही करके रख देती हूँ। और बस अब यहाँ पे प्रेस कर रही थी, बच्चों के पापा जी वहाँ पे बैठे हुए थे तो उनसे बातचीत भी चल रही थी। बच्चों को सुला दिया था क्योंकि भाई बच्चों को जो है नींद कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है, नींद उनकी पूरी होनी चाहिए। सुबह मेरे बच्चे उठ जाते हैं मेरे साथ, वो भी जल्दी उठ जाते हैं। और बस फिर 7 बजे तो उनकी वैन आ जाती है, इस करके जो है उन्हें टाइम पर सुलाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे। तो चलिए वीडियो को भी एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।